तो ये ठंडा ठंडा कूल कूल आम का पन्ना इस भयंकर गर्मी में हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, तो इसका हमें सेवन करना चाहिए। ये हर घर की महिलाओं को, बच्चों को और बड़ों को बहुत ही लाभदायक है ये। तो आम को मैंने यहाँ बॉयल कर लिया है, अब इसे छोटे अच्छे से काट लेंगे और इसका पल्प निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आज हम आपको बताएंगे आम का पन्ना बनाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ इस तरह से हम इसके छिलके निकाल लेंगे। अच्छे से बॉयल हो गए हैं मेरे आम, तो अब इसके छिलके निकाल सारे जो है निकाल लेंगे। तो चम्मच की सहायता से भी हम उसको निकाल लेंगे, जैसे भी आप इसे निकालें। तो यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कुछ पुदीना के पत्ते भी लिए हैं, तो पुदीना के पत्ते मैंने करीब 30 से 40 पुदीना के पत्ते होंगे। तो इसमें हमें अब क्या करना है कि अब एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और अब हम इस बॉयल किए हुए आम के पल्प को डालेंगे, साथ ही साथ हम इसमें पुदीना के पत्तों को भी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, बस हमें इसमें आम के पल्प को डालना है और पुदीना के पत्ते को, और साथ ही साथ हमें इसका एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेना है, और कुछ भी हम इसमें मिक्स नहीं करेंगे। ये देखिए मैंने डाल लिया और एकदम इसका बारीक सा पेस्ट बना लेना है, कोई भी रेसा इसमें नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका एकदम अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लिया है। अब इसे किसी भी बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये देखिए एकदम फाइन साइज़ का पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बना लेते हैं आम पन्ना। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आप इसे बनाकर आप फ्रिज में स्टोर कर लीजिए, और जब भी आपको पन्ना बनाना हो ना तो उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच डालिए और यूज़ कीजिए। तो यहाँ मैं मीठा और नमकीन दोनों ही पन्ना बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ग्लास में डालेंगे 2 चम्मच के करीब पिसी हुई शुगर, और साथ ही साथ दूसरे में डालेंगे थोड़ा सा काला नमक। तो काला नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, और चीनी पीस कर रखने से बहुत ही काम आती है वो, जब भी हमें कुछ भी बनाना हो, शरबत वगैरह बनाना हो, तो फटाफट ऐड कीजिए चीनी और तैयार कर लीजिए। तो यहाँ 1 से 1.5 चम्मच के करीब हमने जो पुदीने और आम का पल्प बनाया है वो हम ग्लास में डाल देंगे, साथ ही साथ थोड़े से जलजीरा पाउडर भी इसमें डालेंगे। जलजीरा पाउडर अगर है तो आप डाल दीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो फ्रेंड्स, साथ ही साथ यहाँ मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ चिल्ड वाटर, तो अभी बिल्कुल ठंडे पानी में ही बना रही हूँ। अच्छा लगता है ठंडा ठंडा कुल कुल, और बहुत ही टेस्टी लगता है। और मीठा जो आप बना रहे हैं ना, वो आप बच्चों को दीजिए, बच्चे भी बहुत ही पसंद से खाते हैं। और छोटे मोटे जो आम के जो रेसे हैं, अगर रह भी जाते हैं ना तो वो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे को चम्मच की सहायता से हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ये, और साथ ही साथ मैं यहाँ थोड़े से भुने हुए जीरा इसमें डालूंगी। भुना हुआ जीरा से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, और थोड़ा देखने में भी डेकोरेटिव लगता है। अगर आप गेस्ट को देंगे तो उन्हें भी देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा, और साथ ही साथ थोड़ा उसे डेकोरेशन कर देंगे इस तरह से लेमन से। और यहाँ मैंने थोड़े से डेकोरेशन कर दिया है लेमन से, साथ ही साथ थोड़े से पुदीना के पत्ते लगा दिए हैं। तो यहाँ मैंने मीठा और नमकीन दोनों ही बनाया है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, तो मीठा जिनको नहीं खाना होता है या नहीं पीना होता है, तो वो लोग नमकीन ही लेना चाहते हैं। तो ऐसे में आप नमकीन इस तरह से पल्प बना के रखिएगा ना, तो ये बहुत ही काम आते हैं। बस फटाफट आपको जब भी कोई आए तो चीनी डालिए या नमक, काला नमक डालिए, और सब कुछ रेडी करके रखिए, और फटाफट उसमें पल्प मिलाइए और रेडी करके उन्हें दे दीजिए। तो इस तरह से गर्मियों में मैं तो अक्सर ऐसे ही बना के रखती हूँ। तो ये आराम से आपको फ्रिज में, आप इसे 2 से 3 दिनों तक स्टोर करके आप इसे रख सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, देखिए कितने अच्छे लगते हैं, लग रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल, इसमें कुछ भी हमने नहीं मिलाया है, और बहुत ही हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। गर्म हवा जो चल रही है, इससे जब भी बाहर निकलिए, एक गिलास पीकर निकलिए, तो गर्म हवा का असर नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह से बनाइए आम का पन्ना इस गर्मी में, और अपने और अपने परिवार का को दीजिए, उन्हें पिलाइए, और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए इस तरह से। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू।